आज हम जानेंगे कि आपकी जो इनकम आती है मेटाफोर्स से ट्रस्ट वॉलेट में डाई के रूप में, उसको आप कैसे विड्रॉल करेंगे अपने बैंक अकाउंट में, यानी आप INR के रूप में कैसे उसको आप अपना पैसा निकालेंगे। तो चलिए आज उसी पे ये वीडियो है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको विड्रॉल करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में बाइनेंस का होना ज़रूरी है। अगर आपके मोबाइल में बाइनेंस नहीं है और KYC कम्प्लीट नहीं है, तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर से जाके बाइनेंस एक्सचेंजर को डाउनलोड कर लें और वहाँ पे KYC कंप्लीट करें। उनके बाद आपको अपना बाइनेंस ओपन करना है। बाइनेंस जैसे ही ओपन करेंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपको नीचे में राइट साइड में वॉलेट का ऑप्शन दिखता है, वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखेगा, डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांसफ़र। तो आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारे इंटरफेस दिखेंगे। तो आपको मैटिक पे क्लिक कर देनी है। मैटिक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क चूज़ करने के लिए आएगा। आपको यहाँ पे पॉलीगॉन नेटवर्क चूज़ करना है। पॉलीगॉन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो ये जो आपको वॉलेट एड्रेस दिख रहा है और यहाँ पे नेटवर्क ऑलरेडी पॉलीगॉन दिखा रहा है, ये आपको चेक कर लेनी है। और ये जो आपका वॉलेट एड्रेस है, इनको यहाँ इनके सामने जो दो बॉक्स दिखे हैं उस पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे ये वॉलेट एड्रेस आपका कॉपी हो जाएगा। फिर आपको बैंक जाना है। बैंक जाने के बाद आपको अपना ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करना है। चलिए मैं अपना ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर लेता हूँ। तो आपका इंटरफेस इस तरीके से दिखाएगा। तो आपको यहाँ पे डाई पे क्लिक कर देनी है। डाई पे क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन दिखाएगा, सेंड, रिसीव और स्वैप का। आपको सेंड करना है। सेंड पे क्लिक कर देनी है। सेंड पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाता है, एक रिसिपेंट एड्रेस और दूसरा अमाउंट है। तो अभी आपने जो बाइनेंस का एड्रेस कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपको मिला लेना है कि लास्ट में आपका A5 05A मेरा लास्ट में है। लास्ट का 304 डिजिट आप मिला सकते हैं, हमारा ऑलरेडी है, मुझे ये याद है, अभी मैंने कॉपी किया था। उसके बाद आपको अमाउंट डाई डालना है जितना आपको विड्रॉल करना है। मैं अभी आपको डेमो के रूप में 50 डाई विड्रॉल करके दिखाता हूँ। 50 आप डालेंगे, जितना आपको करना है उतना डालेंगे। यहाँ पे अगर आपको टोटल करना तो टोटल मैक्स पे क्लिक कर देंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे 50 नहीं, चलो मैं 45 डाई विड्रॉल करके आपको दिखाता हूँ। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आएगा कन्फर्म का ऑप्शन। आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देनी है। उसके बाद आपने जो ऑथेंटिकेशन यानी पिन डाला था वो आपको यहाँ पे डालना है। मैंने अपनी पिन डाल दी और आप यहाँ पे वेट करेंगे। कुछ एक मिनट के अंदर आपका ये डाई आपके यहाँ से कट जाएगा और 4 से 5 मिनट आप वेट करेंगे तो आपके बाइनेंस में ये पहुँच जाएगा। पहले मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ यहाँ से कटा या नहीं। तो ऑलरेडी यहाँ से कट चुका है डाई, ये देखिए यहाँ से 45 डाई ऑलरेडी जा चुका है। अब मैं चलता हूँ अपने बाइनेंस पे और वहाँ पे चेक करता हूँ। ये आप बाइनेंस जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे ओवरव्यू पे आएंगे तो आपको यहाँ पे डाई दिखाएगा। एक बार रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ऊपर में द डिपॉजिट डाई इज इन प्रोसेस, यानी प्रोसेस में है। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे कॉन्फर्मिंग हो रहा है। तो 4 से 5 मिनट का ये टाइम लेगा और आपके बाइनेंस में डाई आ जाएगा। हम वेट करते हैं थोड़ा, जैसे ही डाई आती है हम आपको ये सेल करने का आपको आगे सिखाएंगे कि आपको अपने बैंक में कैसे अकाउंट में पैसा लेना है। तो हम वेट करते हैं दोस्त, आप बने रहें हमारे साथ। 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा और आपके बाइनेंस में डाई आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रोसेस है कि डाई को सेल करके आपको बैंक अकाउंट में INR कैसे लेना है ये हम समझेंगे। तो हम वेट करते हैं थोड़ा। चैन पे ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। अगर ट्रैफिक नहीं है, अगर ट्रैफिक कम है तो 2 से 3 मिनट के अंदर भी आपके बाइनेंस में फंड आ जाता है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, एवरेज है, तो 4 से 5 मिनट का टाइम लेता है। अगर ट्रैफिक हैवी है तो 5 मिनट से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, 5 से 7-10 मिनट का, लेकिन हार्डली 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। ये देखिए अभी ट्रैफिक होने के कारण 5 मिनट भी हो चुका है फिर भी नहीं आया ये डाई। तो हमें पेशेंस से बनाए रखना, ट्रैफिक के कारण हो सकता है 10 मिनट भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम बने रहें। ये देखिए
ये देखिए ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका डाई, ये देखिए आपके डाई आ चुका है। अब हम जाएंगे एक बार स्पोर्ट पे और चेक कर लेंगे। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 50 डाई दिखा रहा है, 5 डाई ऑलरेडी मेरे में पहले से था और 45 डाई मैंने अभी आपके सामने ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस में लाया हूँ। अब आके क्या करना है, ये जो बीच में आपको ट्रेड से दिखता है ना, ट्रेड्स, इस पर क्लिक कर देनी है। और ट्रेड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी किया हो ना, यहाँ पे यूएसडीटी बाई डाई सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डाई लिखेंगे DAI डाई, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में यूएसडीटी बाई डाई आ जाएगा। अब मुझे इसमें डाई से यूएसडीटी खरीदनी है तो आप यहाँ पे 100% कर देंगे, 50 यूएसडीटी मैं खरीद लेता हूँ 50 डाई से। बाई यूएसडीटी पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये ऑर्डर लग चुका है। यहाँ पे जो रेट चल रहा होता है ना, यहाँ पे 0.1.002 रेट चल रहा है, लेकिन 1.001 रेट पे हमने ऑर्डर लगाई थी। तो फिर से मैं इसको कैंसिल करके फिर से दोबारा मैं लगा सकता हूँ, रिफ्रेश करके यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 करके 100% करके आप बाय कर देंगे तो तुरंत हो जाएगी। सेम रेट यहाँ पे जो रेट आपको दिख रहा है यहाँ पे, वही रेट यहाँ पे आप डालेंगे तो तुरंत सेल हो जाएगी। अगर यहाँ पे और यहाँ जो रेट चलिए दोनों में डिफरेंस होगी तो फिर आपका ये ऑर्डर लग जाएगा, फिर मार्केट अप डाउन होगी तभी सेल होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, इसमें पैनिक नहीं होनी है। अब मैं चलता हूँ एक बार फिर चेक करता हूँ स्पोर्ट पे जाके। तो ये देखिए यहाँ पे ये डाई और USDT में आ चुका। अब हम USDT को सेल करते हैं, होम पे आना है और ये जो P2P ट्रेडिंग आपको दिख रही है यहाँ पे, P2P ट्रेडिंग पे आपको क्लिक कर देनी है। P2P ट्रेडिंग पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको ऑप्शन आएगा और सेल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा आपका डाई सेल करने में। क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि आपका फंड है स्पॉट में है। आपको बैग जाके वॉलेट पे जाके फंड को ट्रांसफ़र करके फंडिंग में करना है, ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है और ये जो BTC है यहाँ पे क्लिक करके आपको USDT सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको मैक्स कर देना है और कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देनी है। ये फंड है आपका फंडिंग में आ चुका है। अब जाना है होम पे, होम पे जाने के बाद ये P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करनी है। आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका इंटरफेस आएगा और सेल पे क्लिक कर देंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद ये जो मैक्स का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर देंगे, टोटल आपका ये जितना USDT है वो आ जाएंगे। 49.95 मेरे पास USDT है, मैं सेल कर देता हूँ। अभी देखिए कितना रुपया चल रहा है USDT, कितना रुपया में 83.31 रुपया के हिसाब से मुझे 4161 रुपया ये सेलर देगा। मैं कन्फर्म सेल पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे 8 मिनट का ये इन्होंने टाइम दिया है कि 8 मिनट के अंदर मैं आपको पेमेंट करता हूँ, आप 8 मिनट का वेट करें। हर सेलर अलग अलग टाइम लेता है, कोई 2 मिनट के अंदर कर देता, कोई 1 मिनट के अंदर। तो एक बार मैं इसको जाकर हेलो करता हूँ, इससे बात करता हूँ चैट पे जाके। तो यहाँ पे अगर ये अभी लगता है ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन रहने के बाद ये तुरंत आपको रिप्लाई करता है, तो हम वेट करते हैं यहाँ पे। ये देखिए ऑलरेडी ये पेमेंट आ चुका है मेरे अकाउंट में, डन कर दिया इन्होंने। तो अब यहाँ पे आपको पेमेंट है, आपको एक बार अकाउंट चेक कर लेनी है, ऑलरेडी आ जाता है 100%। जब तक ये भेजता नहीं है और ये, तो आप चेक कर सकते हैं ऑलरेडी मेरे अकाउंट में आ चुका। तो यहाँ पे आपको आई रिसीव पे क्लिक करनी है, यानी पेमेंट रिसीव पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आई हैव रिसीव्ड करेक्ट अमाउंट इस पर क्लिक करके आपको कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद एक बार आपको कंफर्म कर लेना, अपने बैंक अकाउंट को चेक कर लेना है, ये आपको मैसेज देख लेना। ये देखिए मेरे में आ चुका है 4161 रुपया, मैंने चेक कर लिया। अब यहाँ पे आपको OTP देना, सेंड ए कोड पे क्लिक कर देनी है। सेंड ए कोड पे क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज में चेक करना और इसको कॉपी करके और यहाँ पे बाइनेंस पे ला कर इसको पेस्ट कर देना, क्योंकि आपको पैसा दे तो आपको इसको USDT देनी है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए आपको इन्होंने 4161 रुपया दिया है, आपने इसको 49.95 USDT सेल कर दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस है आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट से USDT सेल करने का। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।